नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सैनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवीण सैनी होम्योपैथी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा चिकनगुनिया बुखार के बारे में। चिकनगुनिया के क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है और चिकनगुनिया की होम्योपैथिक दवा। दोस्तों, चिकनगुनिया हालांकि इस समय नहीं चल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे समय समय पर महामारी का रूप लेता रहता है चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया आज से लगभग 4-5 साल पहले काफ़ी तेज़ी से पैर पसारे थे महामारी के रूप में। और चिकनगुनिया के कारण दोस्तों, जो मध्यम आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो शरीर से कमज़ोर थे, दुर्बल थे, जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी, वो लोग आज तक सफ़र कर रहे हैं 3-4 साल होने के बावजूद भी, क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द, ऐसे नहीं दर्द, चिकनगुनिया का दर्द आज भी बना हुआ है। तो एक ऐसे ही पेशेंट आए मेरे पास, चर्चा हुई और कह रहे थे मैं एस्प्रिन लेता हूँ दर्द के लिए। एस्प्रिन या कोई भी डाइक्लोफेनेक वगैरह जो भी एलोपैथिक दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं हैं दर्द की, दोस्तों अंग्रेजी पेन किलर से होती हैं एलोपैथिक दवाएं, पेन किलर ये हमारे गुर्दे को ख़राब करती हैं लंबे समय के, अगर आप लंबे समय से यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। तो होम्योपैथी की क्या दवाएं हैं मैं इसमें बताऊंगा आपको, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिस किसी को भी चिकनगुनिया होता है उसको ज़रूर एक बार प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, चिकनगुनिया जो है ये मकोंडी कोई लैंग्वेज है, मकोंडे लैंग्वेज का शब्द है चिकनगुनिया, शायद साउथ अफ्रीका की ये लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है, चिकनगुनिया का मतलब होता है दोहरा कर देना बॉडी को, जैसे बॉडी है इसको इस तरह से दोहरा कर देना, यानी कि इतना तेज़ दर्द हो जाना शरीर में कि शरीर दोहरा हो जाए, दोहरा इस तरह से शरीर आपका दोहरा हो जा रहा है, तो ये चिकनगुनिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो चिकनगुनिया बुखार एडीज मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जब काटता है तो इसका जो वायरस होता है चिकनगुनिया वायरस, ये शरीर में एंट्री कर देता है, फिर इसका लगभग 2-4 दिन तक इसके लक्षण आने में समय लग जाते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें तेज बुखार आएगा, 1-2 फारेनहाइट तक फीवर रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, बदन में मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, शरीर पर चखत्ते, थकान, कमजोरी, आँखों में सिम्टम, जो आँख है उसका सिम्टम से अलग होता है कि आँखों में बहुत तेज़ ऐसे नहीं दर्द, आप लाइट की तरफ देखेंगे तो आँखों में जलन होगी, आँखों में दर्द होगा, तो ये कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। तो बुखार तो लगभग 1-2 दिन में अपने आप स्वतः ही चला जाता है, लेकिन इसके जो बाकी लक्षण हैं, यानी कि फीवर के बाद में कमजोरी, थकान और जोड़ों में दर्द, ये 5-6 दिन तक बना रह सकता है, हो सकता है 1-2 महीने तक बना रहे, और हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं उनको 4-5 साल या पूरे जीवन काल के दौरान दर्द का अनुभव होता रहे। तो दोस्तों, चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित लोगों के जो जोड़ों में दर्द हो रहा है वो आज तक परेशान हैं और दवाई खाते हैं, अंग्रेजी दवाई खाते हैं जोड़ों के दर्द की, तो उसका शरीर भी ख़राब होता है एलोपैथिक दवाएं से, किडनी ख़राब होती है, लीवर ख़राब होती है। तो जो दर्द पेन किलर की दवाएं आप ले रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। मैं इस वीडियो में 2 आपको दवाई होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा, अगर आपको दर्द है वो दर्द धीरे धीरे सही होगा, लगभग 4-5 महीने होम्योपैथिक दवाइयों का इनका सेवन ज़रूर कीजिएगा आप। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा होम्योपैथिक इलाज के बारे में इस वीडियो में, चिकनगुनिया के जोड़ों के दर्द का होम्योपैथिक इलाज क्या है। दोस्तों, एक दवा है पॉलीपेरस पेनिकुला, पॉलीपेरस पेनिकुला, मैं इसमें आपको फोटो लगा दूंगा, पॉलीपेरस पेनिकुला का आपको 200 पोटेंसी में लेना है, 200 पोटेंसी की 5 बूंदे आप डायरेक्ट अपनी जीभ पर डाल लीजिए, सुबह खाली पेट लेना है, फिर अगले दिन एक दिन छोड़कर उसके जो अल्टरनेट डेज होता है एक दिन के गैप के बाद में, अगले जैसे आपने सोमवार को लिया है फिर बुधवार को आपको 200 पोटेंसी की 4-5 बूंदे जीप पर डालनी है, उसी तरह से फिर बुधवार के बाद फ्राइडे को, यानी कि एक दिन छोड़कर आपको एक दिन ये दवा लेनी है, महीने भर में आपको 15 दिन ये दवा लेनी है, एक दिन छोड़कर जब आप एक दिन लेंगे। तो पॉलीपेरस पेनिकुला 200 पोटेंसी की दवा आपको अल्टरनेट डेज पर 3-4 बूंद अपनी जीभ पर डालनी है। अगली दवा दोस्तों, एलेस्टोनिया मदर टिंचर, एलेस्टोनिया मदर टिंचर का 10 बूंद आप प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार लेंगे,
खाना खाने के एक घंटे बाद एलेस्टोनिया मदर टिंचर सुबह शाम 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधे कप पानी में। ये भी आपको 3 से 4 महीने ये दवा लेनी है दोस्तों। ये दो दवाएं मैंने बताई हैं। अगर आप दर्द से पीड़ित हैं चिकनगुनिया के, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और जो लोग चिकनगुनिया दर्द से पीड़ित हैं उनको ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों बाकी अगर बचना चिकनगुनिया से बचाव कैसे किया जाए, उसके लिए तो आपको मच्छर ना ही काटे, तो सबसे पहले तो आपको यही है कि मच्छर ना काटे कमरे में आप जाली लगवाइए ऑल आउट, और जो भी ओडोमॉक्स वगैरह होता है वो लगा कर रखिए ताकि मच्छर आपको काटे नहीं, और पूरे आइसक्रीम के आप शर्ट पहने ताकि मच्छर आपको काटे नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया क्या लक्षण हैं, कैसे बचें और क्या होम्योपैथिक दवाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार वीडियो को अंत तक देखने के लिए।